वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक टेक्नोफर यूट्यूब चैनल को, इस लाल कलर के बटन को दबाकर, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्नोफर में, टेक टेक्नोट्रिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट में अपने केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अपने अगर आपके पास पेटीएम यूज करते हो, अगर आप पेटीएम में केवाईसी कराना चाहते हो तो आप अपने घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर जो केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हो। दोस्तों ये जो बताने वाला हूं मैं आप सभी लोगों को, ये 2000% वर्किंग है। यहां दोस्तों अभी लाइव चल रही है। फरवरी के महीने में पेटीएम ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया पेटीएम का केवाईसी के लिए। तो जिन जिनको जो है पेटीएम का केवाईसी कराना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा मैं आप सभी लोग से क्लियर करने वाला हूं। तो बिना देर करिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के सामने दिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर दिया, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर दिया ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया हूं। मतलब ऑफर क्या, गिफ्ट लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप यहां पे कोई भी लकी यूजर 1 रुपए से लेकर 50 रुपए का कोई भी एक रैंडम अमाउंट जीत सकता है, उसके डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, कमेंट में जो अपना यूपीआई आईडी दे दीजिएगा क्योंकि हम अपने यूपीआई आईडी जो भी लकी विनर होंगे उनके यूपीआई आईडी में जो हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं हम आपको कि आप पेटीएम का केवाईसी कैसे कर सकते हैं घर बैठे बैठे बिल्कुल 5 मिनट में। और दोस्तों एकदम 2000% रियल बताऊंगा, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपके सामने में, एजेंट जो भी होगा सारा का सारा जो है लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई भी एक पेटीएम अकाउंट ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पेटीएम अकाउंट में केवाईसी हुई हुई नहीं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेटीएम का, हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे मेरा केवाईसी हुआ या नहीं। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही केवाईसी कराया है दोस्तों, और लाइव करके दिखाऊंगा मैं आप सभी लोगों को एक और अकाउंट का केवाईसी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे जो ब्लू टिक है इसका मतलब जो है दोस्तों आपका पेटीएम का जो केवाईसी कंप्लीट हुआ हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल ही मेरा यहाँ पे पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो है आसानी से जो है केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए दोस्तों। मैं यहाँ पे इंटरनेट ओपन कर लेता हूँ और दोस्तों मैं कुछ अपने यूजर को जो है पेमेंट सेंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं पे के ऑप्शन में जाऊंगा, पे के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पासबुक में जाकर आपको दिखा देते हैं कि मेरा पेटीएम का केवाईसी मतलब ऑन है यानी या फिर हुआ हुआ है यानी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा पैसा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 रुपए है दोस्तों। आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे मेरे अकाउंट में जो है 20 रुपए भी यहाँ पे पड़े हुए हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं पेटीएम का केवाईसी। पहले तो हम यहाँ पे पेमेंट करके दिखाएंगे किसी एक यूजर को, मतलब मैं अपने सेकंड ही नंबर पे एंड करके दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मेरा केवाईसी नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पे जो है पेमेंट नहीं जाता। तो दोस्तों हम यहाँ पे पेटीएम का जबरदस्त मतलब यहाँ पे जो है दोस्तों आपको 200% यहाँ पे रियल बताऊंगा दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे कि पेटीएम का केवाईसी बताओ तो वो जो है उल्टा पुलटा जो है वीडियो डाल देते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो एप्लीकेशन घुसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है पेटीएम में पैसा जा रहा है यानी। पहले तो हम यहाँ पे पेटीएम केवाईसी करा चुके हैं तो हम यहाँ पे आपको पैसा जो है सेंड करके दिखा देते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे केवाईसी हुआ हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेमेंट भी मेरा सक्सेस हो चुका है दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे पेटीएम का केवाईसी है मेरा। तो आइए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप अपने पेटीएम का केवाईसी कैसे मतलब घर बैठे बैठे 5 मिनट में कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर ज्यादा करिएगा दोस्तों, क्योंकि फेक वीडियो को तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो लेकिन रियल वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर नहीं कर सकते करते हो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को 100 लाइक जरूर कराना दोस्तों। ये फरवरी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि केवाईसी को कैसे कर सकते हैं फरवरी के मंथ में, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम यहाँ पे सर्च करके हम आपको एक और चीज दिखा रहे थे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाते हो, क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट लिखते हो तो यहाँ पे क्या फॉर्म आता है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लिखते हैं पेटीएम PAYTM पेटीएम केवाईसी दोस्तों। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको केवाईसी लिखते हैं, देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट लिखाते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे पेटीएम केवाईसी कंप्लीट अगर लिखेंगे तो पेटीएम की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते दोस्तों देख पा रहे कंप्लीट केवाईसी नाउ। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पेटीएम का केवाईसी यहाँ पे बताया गया है। अगर आप पेटीएम का केवाईसी करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आइए हम अभी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 31 दिसंबर के दिन जो है पेटीएम का केवाईसी खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो चुका है पेटीएम का केवाईसी जो कि सारे एजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई भी एक पेटीएम अकाउंट ले लेते हैं। पेटीएम अकाउंट लेने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देते हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 नंबर का हमने पेटीएम अकाउंट ले लिया है दोस्तों। आपको पेटीएम का फुल केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम का मिनी केवाईसी करना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मिनी केवाईसी करना आप सभी लोगों को बेहद जरूरी है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पासबुक के ऑप्शन में जाना है अपना, मतलब पहले तो आपको अपना पेटीएम खोल लेना। पेटीएम खोलने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे पासबुक में जाना, पासबुक में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पैन कार्ड पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको यहाँ पे नरेगा जॉब कार्ड, तो यहाँ पे नरेगा जॉब कार्ड में क्लिक करिएगा आप दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो जिस नाम से आप यहाँ पे पेटीएम का केवाईसी कराना चाहते हो, जी हाँ दोस्तों जो भी नाम से बना पेटीएम का केवाईसी कराना चाहते हो वो नंबर नाम यहाँ पे फिलअप करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इमरान, मैं फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे इमरान अली और जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम हो वही दीजिएगा। यहाँ पे जो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स का मतलब डिटेल डालना है तो नरेगा जॉब कार्ड में आपको क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे BZNPA ये वाला आपको सबसे पहले यहाँ पे देना है, BZNPA ये वाला सबसे पहले आपको फिलअप करना है। जैसे मैंने फिलअप किया, उसके बाद दोस्तों कोई भी रैंडम चार अमाउंट दे देना, जैसे कि मेरा मैंने यहाँ पे रैंडम अमाउंट डाला है 6273, कोई भी नंबर आपको देना है। उसके बाद कोई भी रैंडम कोई भी अल्फाबेट दे देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है ए, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन शुरुआत का जो है BZNPA ये आपको सेम रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आई कन्फर्म में क्लिक करने के बाद सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे केवाईसी डन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपका केवाईसी डन हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए, अकाउंट वेरीफाई, गेट 200 रुपीज कैशबैक, केवाईसी कंप्लीट। अब दोस्तों आपको केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको यहाँ पे जो है बता देता हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे दोस्तों हम पासबुक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं केवाईसी आपको कहाँ से कंप्लीट। दोस्तों केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे थ्री लाइन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कंप्लीट केवाईसी, जहां दोस्तों फुल केवाईसी का मैं बताऊं, मिनी केवाईसी आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फुल केवाईसी करना है तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद 24/7 यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा। तो मैं यहाँ पे पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में क्लिक करना है। जैसे आप पेटीएम वॉलेट में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो केवाईसी का फॉर्म ढूंढना है। चलिए मैं वहाँ पे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है पेटीएम वॉलेट में क्लिक नहीं करना, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पेटीएम केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पे पेटीएम केवाईसी। तो आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आई वॉन्ट टू डू केवाईसी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आई वॉन्ट टू डू मिनी केवाईसी माई फुल केवाईसी, तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर जो दिख रहा है फुल केवाईसी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आई हैव डन केवाईसी केवाईसी पॉइंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई फुल केवाईसी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लोकेट नियर बाय केवाईसी सेंटर आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे पेटीएम ऑफिशियली वेबसाइट खुल जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन जो दिख रहे हैं प्लीज वेट, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है या फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्या क्या पूछेगा वो मैं यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपसे बोलेगा कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं यहाँ पे जो है कोलकाता डालूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कोलकाता में रहता हूँ तो कोलकाता डाल देता हूँ। और क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कर्नाटक, यहाँ पे वेस्ट बंगाल डाल देता हूँ क्योंकि कोलकाता नहीं आ रहा, तो वेस्ट बंगाल डाला मैंने। और यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है कोलकाता आएगा शायद, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, कोलकाता आ चुका है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे केवाईसी सेंटर ओपन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जो भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पे केवाईसी हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को नियर बाय अपना जहाँ पे केवाईसी हो रहा है तो वहाँ पे मैं आप सभी लोगों को लेकर चलूंगा और उनको उनसे जो है पूछवाऊंगा कि यहाँ पे केवाईसी हो रहा है या नहीं। आप यहाँ पे भी उनको कांटेक्ट करके जो है पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा एक दोस्त का भी दुकान है, वो मैं यहाँ पे पहले खोल लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे केवाईसी सेंटर ओपन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पे बहुत सारे केवाईसी जो केवाईसी कर रहे हैं पेटीएम का, उनका यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, तो आप यहाँ पे फटाफट से कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे जो है 7,73,000 है, तो बहुत ज्यादा मुझे नीचे जाना होगा। यहाँ पे 73/74 चला गया, तो देखिए यहाँ पे 73। देखिए सबसे पहले तो ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे अली वारिस स्टूडियो, ये वाला मेरा फ्रेंड है, आप इसको जो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी केवाईसी कर रहा है, ठीक है ना, मैं इसी एरिया में रहता हूं। उसके बाद दोस्तों अब हम थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो हाफिज स्टोर ये नहीं है, यहाँ पे देखिए ये एक है केजीएन मोबाइल। मैं अभी आपके सामने में जो है केजीएन मोबाइल का स्टोर में लेके जाऊंगा और यहाँ पे जो मैं केवाईसी आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल केजीएन मोबाइल में आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये केजीएन मोबाइल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं। चलिए अब हम अंदर पूछते हैं किस तरीके से यहाँ पे केवाईसी करा जाएगा। हम केजीएन मोबाइल में आ चुके हैं, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं मनी ट्रांसफर और यहां पे केवाईसी भी हो रहा है। तो चलिए हम दुकान के ऑनर से बात करवा देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि यहां पे केवाईसी होता है या नहीं होता है? होता है। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर है आपसे केवाईसी कराने के लिए? पैन कार्ड लगेगा आपको, वोटर कार्ड लगेगा। और मतलब उसको आना पड़ेगा या आप घर बैठे बैठे भी कर देंगे? नहीं, आना पड़ेगा, जाने से फिर तो चार्ज लग जाएगा ज्यादा आपको। तो कितना रुपया लगेगा अगर जाएगा तो? जाने से आपको 200 रुपया लग जाएगा। अगर कलकत्ता के अंदर रहेगा तो 200 रुपया, कलकत्ते के बाहर रहेगा तो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ अगर दुकान में आते हैं तो दुकान में 100 रुपए में हो जाएगा। अच्छा ठीक है फिर। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आप सभी लोगों को केजीएन मोबाइल सेंटर में जाके जो है उनसे बात करा दिया कि क्या क्या जरूरत पड़ेगा पेटीएम की केवाईसी के लिए। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अगर वो आपके घर में आएंगे, अगर आप कलकत्ता में रहते हो, अगर वो आपके घर में आएंगे तो 200 रुपया पेटीएम का केवाईसी का चार्ज पड़ेगा, ठीक है, वो आपके घर बैठे बैठे में आके कर देंगे। अगर आप कलकत्ता के बाहर हो तो मैं एक दो मर्चेंट का नंबर दे दूंगा, वो 100 रुपीज लेते हैं और आपको जो जो आईडी बोले वो आप मतलब ठीक है ना उनको दे देना है, जो जो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर मैं उनका मर्चेंट अकाउंट का नंबर दे दूंगा, उनको कॉल करके आप बोल सकते हो। वो पर
केवाईसी का जो है 100 रुपीज लेंगे, ठीक है ना, घर बैठे बैठे वहां से भी आपका केवाईसी हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, वो जैसा जैसा आपको बोले, जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड तो अभी जरूरत नहीं है, आधार कार्ड का तो बंद हो गया है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स वो बोलेंगे वो आपको देना है, जिस तरीके से आपको क्लियर बोलेंगे क्लियर देना है, फोटो आपको खींच के भेजना है, ठीक है ना। तो फोटो जो भेजना है वो एकदम पीछे का जो है एकदम पीएनजी होना चाहिए, पीएनजी मतलब कुछ भी नहीं हो, व्हाइट कलर का हो, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो, तो इस टाइप का आपको फोटो देना है। तो इसी प्रकार से जो आप केवाईसी कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने एक बात उनसे पता किया था, मैं केजीएन का आपको मैंने वीडियो दिखाया उनके ऑनर का, तो उन्होंने कहा बाय चांस अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं हो तो पेटीएम जो है फॉर्म 60 बोल के कोई एक फॉर्म देता है, उसको फिलअप करना होता है। तो अगर बाई चांस अगर आप वहाँ पे केजीएन मोबाइल स्टोर में जाते हो मेरी वीडियो को देखकर, तो आप मेरा नाम ले लेना, वो अगर हो सके तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर देंगे, मेरा नाम इमरान है, आप जाके बोलना, ठीक है ना, तो मेरा वीडियो दिखा देना, वो समझ जाएंगे, तो उस मतलब वो थोड़ा कम भी कर देंगे और अपना आप केवाईसी जो है जाके कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्टेड फुल मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है व्यूअर जो है परेशान हो गए हैं कि कौन सा वीडियो रियल है कौन सा वीडियो फेक है। लेकिन आपको आज मतलब निश्चिंत रहिए, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए 100% रियल है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो अपनी केवाईसी को जो है कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे बैठे, ठीक है ना। घर अगर वो आपके घर में आता है, यहाँ पे केजीएन मोबाइल का जो है मतलब स्टाफ है, वो आपके घर में आके जो है केवाईसी कर देंगे और चार्ज लेंगे बस 200 रुपए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर आके करवाओगे, जो मैंने एड्रेस बताया, अगर कोलकाता में ये वाले एड्रेस में अगर आ जाते हो, जो मैंने बताया था केजीएन मोबाइल पेटीएम में जाके, वही एड्रेस में सेम टू सेम आ जाओगे, तो आपको जो है 100 रुपए में हो जाएगा, वहां पे आपका लाइफ सब कुछ कर दिया जाएगा, आसानी से जो है केवाईसी हो जाता है। वो जो है आपको जब पहले मतलब जब आप केजीएन मोबाइल में जाओगे तो वो जो है आपसे पहले नंबर पूछेंगे, नंबर पूछने के बाद वहां पे आपको ओटीपी मतलब एक एसएमएस भेजा जाएगा पेटीएम के थ्रू से, वहां पे एक नंबर होगा, ठीक है ना, उस नंबर पे आपको कॉल करना है, जिस नंबर से आपको केवाईसी करना है उसी सिम को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसी नंबर से कॉल करना है। कॉल करने के बाद वहां पे 2 बार 1-1 प्रेस करना है, उसके बाद जो है आगे का जो है प्रक्रिया वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जब आप केजीएन मोबाइल में जाओगे तो मतलब वो आपका नंबर पूछेंगे, नंबर पूछने के बाद वो आपको जो है एक मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज में जो है मतलब फोन नंबर दिया होगा पेटीएम का, उस पेटीएम नंबर में आपको कॉल करना है और मतलब 2 बार जो है 1-1 प्रेस करने के बाद उसके बाद जो है वो आपको केवाईसी जो है स्टार्ट कर देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आप दे दिएगा, फटाफट जो आपका केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ना ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ यारो सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू लोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।